आंसर जिसको भी डालना है उसके बाद ऐसे ऐसे बोल। मेरा नाम है अब्दुल रशीद। इनसे हमारे सारे मसले हल होने चाहिए। जितने भी ऑटो वाले हैं परेशान है, जिस हाल में भी है तो पूरे ऑटो वाले परेशान है। हमने इसलिए इलेक्शन करवाए हैं कि हमारे सब मसले हल होंगे। जिन भाइयों के पास लाइसेंस नहीं है, इन्होंने हमारे साथ वादे किए हैं हम लाइसेंस बनवा के दे देंगे सबको। जो भी गंद यहाँ है वो साफ होना चाहिए सब, फिर हम इसमें रजामंद है, क्योंकि सब भाई भाई है, चाहे कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जो भी पार्टी का है, हम सब भाई भाई मिलके एक बन के रहेंगे। क्योंकि आज तक भी देखा हमने बहुत ऑटो वाले यहाँ आए और कोई पूछ नहीं है किसी को कौन क्या करता है, कोई नहीं। हमें चाहिए कि एक बन के रहना है, अगर यहाँ पे काम करना है हर किसी को चाहिए अपनी वर्दी लगा के रखना, अपने कागज होके अपने लाइसेंस होके रखना है, फिर कोई नहीं छेड़ेगा हमें। मेरा नाम मोहम्मद इरफान। इलेक्शन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि जो हमारे रिश्ता में स्टैंड दिए थे, हमें बहुत दिक्कत होती स्टैंडों पे, प्राइवेट व्हीकल्स लगते हैं वहाँ पे। आपने खुद ही देखा होगा पिछली बार भी महाजन साहब आए थे, जो डीसी साहब थे, उन्होंने 5,000 रुपये चालान किया, मगर लोग फिर भी नहीं मानते हैं। छोटी गाड़ी वाला भी ऑटो वाले को दाड़ा मारता है, बाइक वाला भी, हर एक मतलब ऑटो वाले को कुछ नहीं समझते हैं ये लोग। इस यूनियन बनाने के बाद इंशाल्लाह बहुत बदलाव आएंगे। पहला बदलाव तो ये होगा कि विदाउट यूनिफॉर्म कोई ड्राइवर नहीं चलेगा। दूसरी बात ये होगी कि जो गाड़ियां फालू लगती है रोडों में जिसकी वजह से जाम लगते हैं वो नहीं होगा। स्टैंडों पे गाड़ियां लगेंगी, स्टैंड रिकॉग्नाइज्ड होंगे, जो भी जितने भी ऑटो हमारे 200-250 ऑटो हैं हर एक को स्टैंड दिया जाएगा। वो उसका ये मतलब था कि उसमें डीसा में देखने थे कि ऑटो कितने हैं, टोटल ऑटो कितने और कितने रिकॉग्नाइज्ड हैं, किसके कागज़ ड्यू हैं, किसके कागज़ रनिंग में हैं, वो देखना था कि कितने ऑटो हैं। और उसके उसके बाद उसको डिवाइड करना था हमने कि जैसे एक से लेकर 10 तक ऑटो एक स्टैंड में लगेंगे, 1 से 15 दूसरे स्टैंड में, ऐसे डिवाइड करने थे, इसलिए सीरियल नंबर लगा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहनला खान, बहुत ऑटो ड्राइवर अख बहुत वनकन वोमुत यूनियन खातर वारा परेशानी वारहन जायन से मुश्किल आम हल कर तम तथ ख वोमुत इन बायन मुश्किल कुन से फिटनस प्रॉब्लम कुछ मीटर सेल प्रॉब्लम तमिशन कुछ तुथ चालान गु हंग तो मंगत चालान ये मैं तुथ सिस्टम तो तूतः ना चालान ग तमकि मूजूब वमित वन जहन के वजह सत मसलों हल कर सपोर्ट जरूरत आर टी ओ सोबन जरूरत डी सी सोबन जरूरत बे क्या वन एग्जीक्यूटिव सोब यद क्या मसल स्टैंड वटैंड हल कर तो अमक मूजूब वमित आज तो चाहान यद तरफ गए सपोर्ट पूर मिल। थोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ट्राइडेंटी ऑटो यूनियन का इलेक्शन होने जा रहा था, इसमें मोहम्मद इरफान ने 30 वोट हासिल किए जबकि अब्दुल्ला खान ने 71 वोट हासिल किए हैं। हमारे हिसाब से 71 वोटों से अब्दुल्ला खान आगे जीत गए हैं। आज तो हमारे आरटीओ यूनियन का जो इलेक्शन होने जा रहा था आज, उसमें आरटीओ यूनियन में जीत हासिल की इमानुल्लाह खान साहब ने, और जो हमारे साथ में अपोजिट पार्टी थी उनका नाम जो मोहम्मद इरफान साहब है अकरमाबाद में, तो अकरमाबाद में जो इरफान साहब है ये भी बहुत कार्यकर्ता हैं ऑटो यूनियन के, और इन्होंने आज तक सपोर्ट ही हर ऑटो वालों से की है। इमानुल्लाह साहब भी बहुत पुराने ऑटो ड्राइवर हैं। मैं इनसे यही इल्तिजा कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप साथ में मिलके, ये नहीं कि हार जीत तो होती रहती है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में। इरफान साहब से भी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, इमानुल्लाह साहब से भी गुजारिश करना चाहता हूँ, इरफान साहब आज के बाद वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे और यही हमारी हम तक था आज कि हम यही कोशिश करेंगे कि जनाब इमानुल्लाह साहब अगर जीत गए तो यही प्रेसिडेंट बनेंगे, अगर इरफान साहब जीत गए तो यही प्रेसिडेंट, दो में से वाइस प्रेसिडेंट एक न एक बन जाएगा।
अब दो में से दो एक वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, अपने साथ में चलेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इमाल्ला साहब खान से कि जनाब ये आज के बाद अच्छा काम करेंगे।